subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम प्रिय प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के ये दूसरी कविता जिन ढूंढा, जिसे संत कबीर ने लिखा है, इसको आज हम पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम संत कबीर ये कौन थे, इनका परिचय हासिल करते हैं। संत कबीर, इनका जन्म लगभग 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु लगभग 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय, ये भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटबांसियों और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियाँ साखी, शब्द, रामायणी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। यहाँ संत कबीरदास के नीति संबंध दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्य व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीवात्मा, परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। चलिए इस कविता का पठन करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले वाचन कर लेते हैं। वाचन करके इसमें प्रत्येक दोहे को बारी बारी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जिन ढूंढा। जिन ढूंढा का मतलब क्या होता है, यानी इसमें समाज की बुराइयों को पेश करने के लिए एक दोहे के लफ्ज़ का ही इस्तेमाल, शब्द का ही उपयोग किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागो अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागो अति दूर। अर्थात संत कबीर कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़ापन भी आना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है और वो किसी का हित नहीं करता तो उसे उसके बड़े होने से कोई लाभ नहीं। उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ की तरह बड़ा ऊंचा हो जाना है। जैसे खजूर का पेड़ होता है, बड़ा होकर भी वो छाया नहीं देता, उसमें कोई विश्राम नहीं कर सकता उसकी, और सिर्फ फल ही देता है, लेकिन वो भी बहुत दूर लगते हैं, बहुत देरी से लगते हैं। शिष्य हो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, शिष्य हो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना नहीं लिए। अब यहाँ पर शिष्य किसे कहा है, शिष्य यानी शिष्य को कहा गया है, गुरु के शिष्य जो होते हैं उसे कहा गया है। अब शिष्य को कैसा होना चाहिए और गुरु को कैसा होना चाहिए, संत कबीर गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, वह अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे, गुरु की शरण में चला जाए, वह अपने अहम भाव की को त्याग दे और गुरु को ही सर्वसर्व समझे। गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्य का हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान कर योग्य बनाए और बदले में उससे कुछ भी पाने की उम्मीद न रखे। चलिए अगला दोहा देखते हैं। कबीरा संगत साधु की ज्यो गंधी की बास, कबीरा संगत साधु की ज्यो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अब इस दोहे में क्या कहते हैं कबीर, अब साधु कौन है, साधु यहाँ पर सज्जन व्यक्ति को कहते हैं, और गंधी ये गंध बेचने वाला यानी इतर बेचने वाले को कहते हैं। बास यहाँ पर सुगंध के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है।
अब इसमें क्या कहते हैं, कबीरदास कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का साथ इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो वो हमें कुछ दे या ना दे, फिर भी उससे हमें मुफ्त में इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर चाहे कुछ मिले ना मिले, उससे अच्छी बातें सीखने को मिलती है। चलिए अगला देखते दोहा। दुर्बल को ना सताए, दुर्बल को ना सताए, जा की मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लो भस्म हवा हो जाए। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें कबीरदास कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्तियों को भी सताना नहीं चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों की आह में बहुत शक्ति होती है, ऐसे व्यक्तियों को सताने से उनकी आह लगती है जो बड़ी ख़तरनाक है, उनका दृष्टांत देखना चाहिए। कहते हैं कि लोहार की धोखनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है, उसकी सांस आह से प्रज्वलित अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है। तो वैसे ही इस आदमी को भी, ऐसे आदमी से भी हमें बचना चाहिए, वरना इसकी आह से हमें तकलीफ हो सकती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे काड़े कोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे ओ चोट। अब कुम्हार कौन है, कुम्हार वो है जो मिट्टी के घड़े बनाता है, और कुंभ कौन है, कुंभ यानी घड़ा कलसा जिसमें पानी भरते हैं, और गढ़ना यानी बनाना। अब उसमें खोट क्या हो सकता है, अब काड़े यानी पुरानी हिंदी का ये शब्द है जिसके मायने हैं निकालना। अब ये खोट क्या होता है, खोट होता है गलतियाँ, खोट है ना बोलते ना अक्सर, और अंतर ये पुरानी हिंदी का शब्द है यानी अंदर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, शब्द इस्तेमाल किया गया है, और सहार यानी सहारा देना, और बाहे यानी मारना या फिर उसे बाहर की तरफ करना। अब इसमें क्या कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु अपने शिष्य को किसी प्रकार घड़कर सुधारना चाहता है, उसको उदाहरण देते हुए कहते हैं संत कबीर के, जैसे कुम्हार अपने कच्चे घड़े को बनाने के लिए मेहनत करता है और घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, उसके भीतर और बाहर दोनों तरफ से चमकाने की कोशिश करता है, वैसा ही शिष्य के दोषों को, दुर्गुणों को गुरु कठोर वचनों से, कठोर बातों से उसे दूर करते हैं, उसे समझाते हैं। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोय, बाल न बाका करे सके जो जग बैरी होए। अब ये दोहा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, यानी जाको रखे साइयाँ, यानी जिसको परमेश्वर भगवान रखता है, जिंदा रखता है, मार सके ना कोई, उसे कोई मार नहीं सकता, बाल न बाका करे सके जो जग बैरी होए। जग यानी संसार, पूरी का पूरी दुनिया, बैरी यानी दुश्मन। अब इसमें क्या कहते हैं, ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए तब भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनो अंतर आओ तू, नैने झापी तो ही लेव, ना मैं देखूँ और को, ना तो ही देखें नव, दे तो ही देखन देव। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि नैनो अंतर आओ तू, अब ये नैन आँखों को कहते हैं, और नैन झापी तो ही लेव, अब ये झापी ढाँप लेना, झाँपना यानी ढाँपना, तो ही लो तो ही तुम्हें, देखने दो देना, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्या कहते हैं, नैनो अंतर आओ तू, नैनो झेपी तो ही लेव, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन देव। अब वो कहते हैं प्रभु से दुआ करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी आँखों में समा जाइए, अपनी आँखों को बंद कर लूँ तो मुझे खुदा नज़र आए, मैं सबको देखने लायक बनूँ, और आँखें देखने से
मुझे आँखों में ठंडक महसूस होती है। लाली मेरे लाल की जीत देखो तितलाल, लाली मेरे लाल की जीत देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हुई गई लाल। अब इसमें क्या कहते हैं, लाली ये एक महिमा है जिसे कहते हैं, और लाल यानी पुत्र यानी बेटे को कहते हैं, और यहाँ पर अर्थ जो है उसका ईश्वर से भी कहा गया है। जीत यानी जहाँ, तित यानी वहाँ, जीत तित ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। लाली मेरे लाल की जीत देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब इसमें संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है, जहाँ देखिए वहीं ईश्वर की छवि विद्यमान है, विराजमान है। संत कबीर कहते हैं कि भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वह स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग गया, अर्थात वो ईश्वर की महिमा से में से एकाकर यानी ईश्वरमय हो गया। कस्तूरी कुंडल बसाए मुर्ग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसाए मुर्ग ढूंढे वन माही। कस्तूरी क्या होता है, कस्तूरी एक सुगंधित प्रसाद पदार्थ है। ये कैसा होता है, ये हिरण में से जो निकालते हैं, हिरण की जो नाभि में से निकालते हैं। आपने अक्सर कस्तूरी हिरण के बारे में सुना होगा, जिसे मुश्क भी कहते हैं, तो वो एक गांठ होती है और वो दवा के काम में आती है। अब वो कुंडल, कुंडल में क्या होता है, ये कान में जो पहनने वाली बालियाँ होती है वैसे उसे ही कहते हैं, लेकिन ये हिरण की नाभि को भी कुंडल कहा गया है। अब मृग, ये मृग नायनी कहते हैं ना हिरण की आँखों वाली, वैसे ही मृग यानी हिरण। और वन, वन क्या होता है, वन यानी जंगल। कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढे वन माही, अब ये मृग यानी हिरण, वन यानी जंगल। अब क्या, ये ऐसे घट में पीऊ दुनिया जाने नाही। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मृग की तरह है, कस्तूरी के हिरण की तरह है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण में, हिरण को उसकी जानकारी नहीं होती। वो उसकी सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता है। कौन ढूंढता फिरता है, ये हिरण खुद अपनी नाभि में बसी हुई जो कस्तूरी है उसे ढूंढता फिर रहा है, परंतु अज्ञानवश उसे वो जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी तो उसके भीतर विद्यमान है। इसी प्रकार ईश्वर जो है प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अज्ञानवास में है, उसे पता ही नहीं चल रहा है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अब इसमें क्या कहते हैं, इस दोहे में संत कबीर क्या कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा यानी जिसने ढूंढा, जो व्यक्ति ढूंढने जा रहा है वो ढूंढ पाता है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, पैठ प्रवेश करना दाखिल करना, पाई पैर से पाया से पाइया, पाइया यानी पाया, पा लेना हासिल कर लेना। जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, अब इसमें क्या कह रहे हैं वो, इसमें कहते हैं कि जो ईश्वर को प्रिय होते हैं, पीव यानी प्रिय, वो क्या करते हैं उसे पा लेते हैं उसे पूरा, और जो बौरा होता है पागल होता है वो डूब जाता है, और जो व्यक्ति है वो उसे डूबकर किनारे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किनारे बैठकर देखते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो पागल होता है वो किनारे बैठ के बौरान हो जाता है। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है, उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियाँ लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर मिला। और जो व्यक्ति संसार में सागर की डुबकियाँ लगाने से डरता है वो किनारे पर बैठकर देखता है, और वो ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो तो को कांट बोए तो फूल, तू ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। अब इसमें क्या कहते हैं, बोलते हैं ना कि कांटे बोए तो फूल कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुमको तुम्हारे लिए जो चीज़ें हैं उसे समझना चाहिए।
अब तीन नोकों के प्रसिद्ध अस्त्र को यानी त्रिशूल के लिए लफ्ज यहाँ त्रिशूल इस्तेमाल किया है। अब क्या कहते हैं संत कबीर, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है यानी तुम्हारा बुरा करता है तो भी तुम उसका बुरा मत करो, तुम उसको मार्ग में फूल बिछाओ, उसका भला करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने किए अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और कांटे बिछाने वाले को उसके बुरे कर्मों का फल मिलेगा, और अच्छे बुरे एक जैसे नहीं हो सकते, और बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में मिलता है। ये बीजक से लिया गया है, उम्मीद है ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड।